हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेथड स्टार में। तो चलिए हम बात करेंगे डिस्काउंट का, क्लास थ्री। तो सबसे पहले इसमें कुछ बात का हम गौर कर लेते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए हम कुछ आपको फार्मूला बता देते हैं, फार्मूला का यूज कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंकित मूल का। अंकित मूल का, अंकित मूल बराबर होता है करा मूल इंटू 100 प्लस बड़ी आर बट 100 माइनस छोटी आर, और इसी का ये करा मूल जब इधर आ जा रहा है, ये करा मूल जब बॉर्डर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा अंकित मूल। अंकित मूल बराबर होगा 100 माइनस छोटी आर बटा 100 प्लस बड़ी आर, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसको यदि बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीपी, और इसको बोलते हैं एम आर पी। सबसे पहले यहाँ जो है MRP हम बोलते हैं जो कि पुस्तक पे छपा होता है, और CP बोलते हैं जो कि हम खरीद जो हम खरीदे हैं, तो वह मेरे लिए जैसे हम खरीदे तो वह मेरे लिए CP होगी, यदि हम बेच रहे हैं तो उसे हम SP कहते हैं। उसके बाद इसमें सबसे तो छोटी आर और बड़ी आर का बताते हैं। छोटी आर और बड़ी आर ये दोनों समझना ज़रूरी है। छोटी आर का मतलब हो गया आपका छूट, और बड़ी आर का मतलब हुआ वृद्धि। ठीक है, इस पे हम जो है चर्चा करेंगे और इस पे हम प्रश्न बनाएंगे। प्रश्न को हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप फार्मूला के यूज करके, एक आप डायरेक्ट से। मान के चले कि आप फार्मूला भूल गए, तो आप कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो आप फार्मूला की यदि याद नहीं है तो आप उसके मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो हम आपको दोनों मेथड अभी बताने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर लेते हैं। कहा गया पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल 500 है, दुकानदार 5% का छूट देता है, फिर भी उसे 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए दो तरीका से हम आपको बोले थे, दो तरीका से हम बताएंगे आपको, दोनों तरीका से हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो है आप MRP लिख लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन पहले MRP लिख लीजिए। MR कितना दिया गया है, 500। उसके बाद कहा गया है छोटी आर जो है 5% है, उसके बाद कहा गया है बड़ी आर जो है कितना दिया गया, बड़ी आर दिया है 25%। ये बात समझ में आई। तो इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप क्रय मूल्य बराबर पूछा गया, मतलब CP बराबर, CP बराबर बताए थे आपको अंकित मूल। अंकित मूल मतलब होता है MRP, MRP। इसके बाद बताए थे आपको 100 माइनस छोटी आर बटा 100 प्लस बड़ी आर, ये हम बताए थे। अब इस पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो CP मुझे निकालना है, तो हम CP को किस तरह से करते हैं सो आप देखिए। तो CP निकालना है तो हम क्या करेंगे, MRP के जगह MRP का मान बैठाते हैं। MRP कितना है, 500 गुणा, और 100 में यदि छोटी आर यदि जाएगा तो छोटी आर कितना है, 5%। ये अपने आप में 100, ये क्या है, 100% में है, ये प्रतिशत में रहता है। ठीक, ये प्रतिशत का रहता है। तो हम करते क्या, इसको 95, इसको 100 में से यदि 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 बटा दर कर देंगे, पूरे में बटा हो जाएगा।
स्व में प्लस बड़ी आर है, तो बड़ी आर का मात्रा कितना है 25। हम इसको कर सकते हैं 125 कर सकते हैं। अब यदि हम कटाते हैं तो ये चार बार में कट जा रहा है, तो इसको 400 गुना करेंगे, 5 × 20 2, 9 × 36 2 38। ये आपका आंसर आ गया। यह तो आप फार्मूला बेसिक से बना है, तो हम आपको बगैर फार्मूला का भी हम यूज करने के लिए हम बताते हैं तो किस तरीका से बनेगा, सो देखते रहिए। टाइप वन था, अब टाइप टू बताते हैं आपको। तो अंकित मूल पे कितना का छूट दे रहा है, 5% का। सबसे पहले हम अंकित मूल कितना है, 500। बेसिक लिखना नहीं है, कंपटीशन के लिए में आप जितना जल्दी सोच सकते हैं उतना ही लिए आपके लिए आसानी होगा। तो आप कितना जल्दी सोच सकते हैं, सबसे पहले होता है कि 500 रुपया, क्या 500 रुपया क्या मेरा है, अंकित मूल है। हम छूट किस पे देते हैं, तो अंकित मूल पे देते हैं, तो लिख देते हैं 95/100। जब इसको कटाइए उठाइएगा तो आपको लगेगा फार्मूला पे ही है, पर मान के चलिए फार्मूला भूल गए हैं, तो आप मान के चलिए कि कभी छोटी आर के जगह बड़ी आर कर दिए, बड़ी आर के जगह छोटी कर दिए, कभी ऊपर में नीचा कर दिए, नीचे वाला ऊपर कर दिए, इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत है। अब क्या कीजिए, लिया कितना पे, तो 500। अंकित मूल पे कितना का दे रहा है, 5% का छूट दे रहा है, तो लिखेंगे क्या, 95/100। उसके बाद हम बात करते हैं, 95/100 लिखते हैं, तो बोल रहा है क्या, इतना बेचने के बाद भी वह 25% का लाभ ले रहा है। वह क्या कह रहा है, 25% का लाभ ले रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि इसको हम 100 कर देते हैं और इसको यदि हम 125 कर देते हैं तो मेरा काम आसान हो सकता है, इसलिए कि लाभ लेना और लाभ मिल रहा है, जैसे कि लाभ क्या कर रहा है, कमाता है, पहले छूट दे के कमा रहा है। और यदि डायरेक्ट बोलता कि हमें 25% का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 25% हम डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 25% से हम गुना कर देते हैं, 25/ तब लिखते 125/100, ठीक है। यहाँ बोलता है कि इतना पे बेचने के बाद भी वो क्या कर रहा है, तो 25% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या, 100 में ही मैं 25% का और कमा रहा है, हम क्या करेंगे, तो 125 कर देंगे, इसको कटा लेंगे, ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए सेम कंडीशन में आ गया होगा, फिर इसको कटाइएगा, आपको 4 में कटेगा, फिर इसको कटाइएगा, 5 × 20 36 2 38, ये आपका 380 ऐसे भी निकल के आ गया है। इसी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, इसी तरह से आपको दोनों मेथड जैसा अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिएगा। हम तो ये इसी का यूज करते हैं और खास करके इसी पे हम बनाते भी हैं। तो चलिए हम दोनों तरीका से हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 का। बोलता है जस्मिन अपनी वस्तु के अंकित मूल पर 4% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो उस कमीज की लागत मूल जिसका अंकित मूल 850 है। क्या बोला गया, अंकित मूल 850 है। अंकित मूल जब बोले 850 है तो हमें करना क्या है, सो देखिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, सीपी बराबर निकाल लेते हैं। क्या इसलिए सीपी बराबर निकालते हैं कि एमआरपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, एमआरपी दिया हुआ। इस तरीका से यदि नहीं आपको होता है तो आप क्या किए, एसपी ही निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए, एमआरपी भी डायरेक्ट जैसे बोलते हैं एमआरपी निकाल, तो एमआरपी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट आप सीपी का भी, इसका मान पूछा गया है क्या, तो बोलता है कि उसका जिसमें अपनी वस्तु के अंकित मूल पर 4% का छूट देता है और फिर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो उस कमीज का जिसका अंकित मूल इतना है। तो अंकित मूल पूछा गया है ना, तो अंकित मूल के जगह जैसे हम 800 लेते हैं, मान के चलिए एमआरपी है, एमआरपी बता रहे थे आपको सीपी, ये बताते सीपी बराबर बताए थे 100+ क्या बताया था आपको, 100+ बताए थे, 100+ बटा 100-r, ये बताए थे आपको। यदि आप इधर इसको लाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, इसको जल्दी कीजिएगा
तो देखिए क्या असर पड़ने वाला है, इसको मिटा दीजिए आप, तो सी पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एम आर पी आ जाएगा, एम आर पी आ जाएगा। जब एम आर पी आएगा तो ये क्या उल्टा चल गया, वन ऊपर चल गया, ये क्या होगा तब अमानत रहता। अब इसको हम सही तरीका से हम लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 - R / 100 + R, ये हम कर लेते हैं। ये करने से देखिए क्या हो रहा है, फिर एम आर पी कितना दिया गया है सो हम लिख लेते हैं। एम आर पी दिया गया 850, एम आर पी 850 गुना कर देंगे, 4% का छूट दे रहा है तो 96% हो गया। 96 कितना हो जाएगा आपका, तो 20% का तो भी लाभ ले रहा है तो 120 कर देंगे। ये बात समझ में आ गई होंगी आपको। इसको कटाते हैं तो देखिए ये 0, 12 से कटाएंगे, 12 / 12 = 96, 8 × 5 = 40, तो 4 × 8 = 64, 4 = 68 आ गया ना आंसर। अब ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। उसके बाद देखिए किस तरीका से टाइप टू के मदद से लेते हैं, 850 बोला गया है, 850 लेंगे, कितना 850 छूट किस पे दे रहा है, अंकित मूल पे दे रहा है, कितना का दे रहा था, 4% का दे रहा है, लिखेंगे 96% / 100% का तोड़ लिया। उसके बाद करेंगे क्या, लाभ कितना का ले रहा है, तो 20% का लाभ ले रहा है, तो लिखेंगे 100 कितना का ले रहा है लाभ, तो लाभ अर्जित कितना कर रहा है 20 का, तो लिखेंगे 100 / 120। देखिए सेम कंडीशन आ रहा है ना, ये भी प्रतिशत था, ये भी प्रतिशत था, इसलिए क्या किए थे लिखे नहीं थे, इसको डायरेक्ट यहाँ से कटा दिए थे, ठीक, ऊपर भी प्रतिशत नीचे भी प्रतिशत यहाँ से कैंसिल कर दिए थे, इसलिए वहाँ नहीं लिखे थे। सेम कंडीशन है, फिर 100 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 12 × 12 = 96, और इसको कीजिएगा आपको तो 680 आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीका से हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीन नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ अर्जित होता है, तो 170 रुपया की कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम बोलेंगे माना कि अंकित मूल्य एक्स है, तो हम लिखेंगे जब एक्स माने हैं तो एक्स पर कितना का छूट दे रहा है, तो 15% का, तो लिखेंगे 85 बटे 100। इस पे क्या कर रहा है, 20% का छूट ले रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे 100 बटे 120। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद लिखेंगे 170 का, तो 170 का तो हम क्या करेंगे, 100 से 100 ये कटा लेंगे, 20 से कटा इसको, 100 से 100 कट गया, इसको करेंगे 5 से कटाएंगे, तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, इसको कटाएंगे 5 से तो यह हो जाएगा 17, और 17 से कटाएंगे, 17 से एक दफे में कटेगा 10, तो देखिए x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 24 × 10 हो जाएगा, 24 × 10 = 240। ये बात समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकल रहा है। उसके बाद हम लेते हैं अगले क्वेश्चन, सो बने रहिए। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ऑटो व्यापारी को कार के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है तथा 10% का लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य उसे 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व करते हैं सो आप देखते रहिए। कंडीशन आपको दोनों बताए थे, दोनों तरीका से आप ऐसे कर सकते हैं, सो देखते रहिए किस तरीका से करते हैं, दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। तो हम आपको पहला ही कंडीशन से आपको बताते हैं, 12
और 6000। इस पे कह रहा है 12% का छूट दे रहा है, तो लिखेंगे 88/100। उसके बाद बोल रहा है कि 10% का तो भी लाभ अर्जित कर रहा है, तो लिखेंगे 100/110। 100/110 लिखना है। तो देखिए 10, अब ये 100 से 100 कटा दीजिए, और 10 से ये 10 यहाँ से 11 से कटाइएगा, 11 8 88। आपको जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 0 0 88 64 के चार हाथ में रहा 6 8 2 16 4 20 2 8 2 10। ये आपका आंसर निकल के चले आया है। उसके बाद हम लेते हैं अगले क्वेश्चन। आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, फार्मूला बेसिक से आप कर लीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो चलिए हम बता भी देते हैं कैसे करना है। सीपी बराबर लेंगे, इतना गुना करेंगे 88/1। कितना करना है तो आपको 110 करना है। कितना करना है? 110, क्या कि 10% का लाभ अर्जित कर रहा है, 110 करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से कटाएंगे, 11 से 11 88 आ गया, 1/2 0, उसके बाद 8/00 आ गया, दोनों कंडीशन से आ जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा रहता है क्या, मतलब कब सीपी वाला करना है, थोड़ा कब एसपी वाला करना है, थोड़ा ई आपको आता होगा, तो ऐसे करके हम दोनों कर लेते हैं। उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है सो देखते रहिए। कहा गया है कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रा कीमत से 10% छूट पर बेचता है, 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले इसमें आपको एक बात सोचना पड़ेगा, इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा इसका MRP क्या है। ठीक, हम इसका मानते हैं, लिखेंगे माना MRP बराबर कितना, 100 का। 100 क्या हुआ, ये प्रतिशत है, 100% का। 10% का यदि छूट दे रहा है इसका, 10% यदि छूट निकालेंगे तो होगा कितना, 90। ठीक, बोल रहा है 20% लाभ तो भी अर्जित कर रहा है, तो इसका 20% लाभ अर्जित कर रहा है इसी पे, तो 120 हो गया। अब पूछा गया है क्या है, अनुपात में पूछा गया है, तो हम अनुपात में कर लेते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 3 3 9 3 4 12, 3:4 रेशियो में आ गया, 3:4 में आ गया है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। इसी तरह से फिर हम लेते हैं अगले क्वेश्चन, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार किसी पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, और साथ बेचते पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। सेम कंडीशन करना है, सो आप देखते रहिए किस तरीका से होता है। तो मानना अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल है 100, मान के चलेंगे 100 मान है, तो अंकित मूल कितना है, 100% है। इसी पे जो करना है काम होगा। उसके बाद बोल रहा है 10% का क्या हो रहा है, छूट दे रहा है, इस पे 10% का जब छूट देंगे तो कितना होगा, 90। तब बोल रहा है कि 12% तो अभी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उसे, तो लिखेंगे 112 लिख लिए। अब इसको यदि कटाइएगा, ये आपका 45 × 90 और 56 × 112, ये आ गया आपका रेशियो में 45:56। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अब देखते ही होंगे, मज़ा आता होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12% का छूट पर एक कमीज को बेचने पर अर्जित लाभ 8% है। यदि कमीज का अंकित मूल 1080 है तो उसका क्रय मूल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं सो आप देखते रहिए। आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका से यदि आपको बताते हैं तो सीपी बराबर कितना का 1080 तो बोला गया है 12% का छूट 88 तो बोला उसके बाद 8% का और अर्जित करता है लाभ अर्जित करता है तो 108 बस हो गया। बेसिक फार्मूला लिखने का कोई जरूरत नहीं है, छोटी आर बड़ी आर करने का नहीं है, कहीं कि एक ही वर्ग का था आपको समझाने के लिए लिख दिए थे पर आप इसी तरह से यूज करेंगे तो इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसको कटाएंगे 880 निकाल के आ गया। अब बोलिएगा सिर्फ इसी तरीका से बनेगा, नहीं भाई उस तरीका से भी बनेगा, सो किस तरीका से बनेगा सो देखते रहिए। ये तो टाइप 2 के बताए और टाइप 1 से बता रहे हैं हम 1080 ठीक है। तब कितना का बोला गया है 12% का छूट, कितना का 12% छूट कितना हो जाएगा 88/100। उसके बाद बोल रहा है तो भी जो है वह 8% का लाभ अर्जित कर रहा है, कितना कर रहा है 108% का वह लाभ अर्जित कर रहा है। हम लिखेंगे 108 ऐसा लिखने करने से क्या फायदा होता है सो आप देखिए। ये सोच ये सो कैंसिल इसे कटाएंगे फिर कट जाएगा 10 बार में 88/10 पड़ गया हो गया 810 880। यही तो पूछा गया था, दोनों सेम ही कंडीशन से है पर यहाँ पे थोड़ा दिमाग रखना पड़ता है और यहाँ पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करते रहिएगा, यदि बार बार बनाते रहिएगा आपको ये पार्ट जो है टाइप 2 बहुत ही आसान लगने लगेगा, कब क्या करना है इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कह रहा है वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया जाता है कि लाभ 25% हो, कुछ छूट देने के बाद घटकर 12.1/2 हो जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कर लेते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ हम मानते हैं, क्या मानते हैं तो MRP कितना मानते हैं 100 मान लेते हैं। इसलिए 100 मानते हैं कि 100 पे परसेंटेज निकालने में आसान रहता है, इसमें कुछ भी मान के हम कर सकते हैं तो हम इस पे मानते हैं 100, इसलिए मानते हैं कि इसका आगे पीछे करने में आसान होता है। तो इसका बोला गया छूट कितना दे रहा है तो 25% में, तो यहां का इसका सीपी कितना निकल के आ गया 25% का लाभ होता है, इसका सीपी कितना हो गया 125। उसे बाद में इतना घटा कर दिया मतलब कितना एसपी जब जो बेचने लगा तब उसका क्या हो गया तो उसको घटा कर दिया 12.1/2। भाई जब 12.1/2 होगा इसको हम बोल सकते हैं ना, इसे तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना 12.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या किए इतना से घट के कितना आ गया, जब इससे घटेगा 12.5 तो आपका आ जाएगा 112.5। यह बात आपको समझ में आ गया होगा किस तरीका से काम हो रहा है, 112.5 हो गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, तो लाभ अर्जित करने के लिए बोला गया है ना, तो हम लाभ अर्जित कैसे करते हैं सो आप देखते रहिए किस तरीका से करते हैं। इसको हम लाभ करने लाभ जो है सबसे पहले छूट कितना का हो रहा है तो 12.5 का हो रहा है। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा 12.5 होगा, तो किस पे हो रहा है तो 125 पे हो रहा है, 125 गुना कितना 100। यही हमें करना था और हम यही कर रहे हैं। यदि इसको हम 10 हटाते दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको कटाएंगे आप एक बार में कट जाएगा, ये कितना में 10 हुआ
हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो एक जीरो कट गया, नीचे में आया तो एक जीरो ये भी कट गया, तो हो क्या रहा है 10, कितना का हो रहा है तो 10% का। बात समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, कहा गया एक, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, नौ नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया है एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल पर 10% का छूट देने के बाद भी 17% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे, सो आप देखते रहिए, बने रहिए। तो इसको सबसे पहले अंकित मूल मानते हैं, माना एम आर पी कितना है 100 है, ठीक है, एम आर पी कितना माने हैं 100% माने हैं, तो 100% इसी पे सब काम हो रहा है, 10% का छूट दिया तो 90, और इसको यदि हम करते हैं तो अभी 17% का लाभ कमा रहा है तो 117, ठीक है। इस दोनों का जब अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ रहा है 27 का, किस पे तो 90 पर, गुना कितना 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको कटाएंगे 3 3 9 3 27, ये हो गया आपका 30%। उसके बाद लेते हैं अगले क्वेश्चन, किस तरीका से हम सॉल्व करते हैं, सो देखते रहिए। गलेन किसी वस्तु पर इतना मूल अंकित करता है कि अंकित मूल पर 6% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित कर सके, यदि उस पर वस्तु को 10,340 में बेचता है तो उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सो आप देखते रहिए, बने रहिए। अंकित मूल जो है उसका मानते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, अंकित मूल कितना मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल कितना है x, माना अंकित मूल्य x है, ठीक है, x पर 6% का छूट दे रहा है, x पर 6% का छूट मतलब 96, कितना 94 बटा 100, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि उसे तो भी 25% का लाभ अर्जित करता है, लिखेंगे 125 बटे 100, इसी के बराबर में दिया गया 10,340। अब इसको हम कटा उठा के जो काज करना था हम कर दे रहे हैं एकदम फास्ट में। जब इसको कटाइएगा आप, 25 से कटाइएगा तो 25 चौके 100, 25 5 125, इसको कटाइएगा तो 5, इसको कटाइएगा तो 20। यदि आप इसको कटाते हैं और इसको कटाते हैं तो आपको 110 बार में रफा दफा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 80 गुना 110, तो x इज इक्वल टू 11 8 88 00, 8,800 आंसर निकल के आ गया। मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।